आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़कर रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होगा अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे। इसके अचानक रुकने से कितना नुकसान होगा, आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या महसूस करेंगे, और जब पृथ्वी फिर से घूमने लगेगी तो क्या ये तब भी हमारे रहने लायक रहेगी। अर्थ अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर एक दिन में लगाती है, इससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी उन टकरावों के कारण घूम रही है जो 4.6 अरब साल पहले उस समय हुए थे जब ग्रह का निर्माण हो रहा था। जैसे ही गैस और धूल की एक विशाल डिस्क सूर्य के चारों ओर घूमती है, धूल और चट्टान के कण एक साथ चिपक गए, जिससे ऐसी ताकतें पैदा हुई जो ग्रह को एक दिशा में घुमाने लगी। आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई फिजिक स्पिनर तेजी से घूम रहा हो, और ग्रह को धीमा करने के लिए अंतरिक्ष में लगभग कोई ताकत न होने के कारण ये घूमते रहते हैं और कई अरब सालों तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या आप सरफेस से उड़ जाएंगे? अगर अर्थ अचानक रुक गई तो भी इनर्शिया के कारण एटमॉस्फेयर मोशन में ही रहेगा। इसका मतलब है कि भले ही सब कुछ रुक गया हो, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी, और ये सिर्फ तेज हवा नहीं होंगी, ये अब तक आए किसी भी तूफान से कई गुना अधिक शक्तिशाली होंगी। अब आप ग्रह पर कहां थे इसके आधार पर इन हवाओं की ताकत अलग अलग होगी। इक्वेटर पर या उसके पास अर्थ की स्पीड तेज होगी। यहां आपको 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा महसूस होगी। ये हवाएं आपके पैरों तले की जमीन खिसका देगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि ये हवाएं अर्थ की क्रस्ट तक को फाड़ने के लिए काफी होंगी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में थे या स्टील मजबूत इमारत के अंदर, ये हवाएं तुम्हें तबाह कर देंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली F-5 बवंडर की गति 511 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और ये तूफान घरों को उनकी नींद से हिला सकते हैं, कारों को उड़ा सकते हैं, और यहां तक कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को भी तोड़ सकते हैं। अर्थ के इमरजेंसी ब्रेक से आने वाली हवाएं उससे 3 गुना ज्यादा तेज होंगी। इसलिए अगर आपके पैरों के नीचे की परत नहीं उखड़ी तो आप और बहुत सी दूसरी चीजें जरूर काफी दूर तक उड़ जाएंगी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी या वो गति जो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने और अंतरिक्ष में एंटर करने के लिए जरूरी है, लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दुनिया के अलग हिस्सों जैसे न्यूजीलैंड या फ्रांस में आपका थोड़ी कमजोर हवाओं से सामना होगा, लेकिन 1180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अब भी किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा तेज होंगी। ये हवाएं लगभग सब कुछ नष्ट कर देंगी। लेकिन सिर्फ ये ही एक खतरा नहीं जिन पर आपको इन 5 सेकंड तक नजर रखनी होगी। हमारा प्लैनेट एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ये घूमने की वजह से पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इक्वेटर के पास से थोड़ा फैला हुआ है। अगर घूमना रुक जाए तो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर में बदल जाएगी, जिससे इक्वेटर के पास का सारा पानी पोल्स की ओर बह जाएगा, जिससे एक भयानक सुनामी आ जाएगी। 5 सेकंड बाद जब अर्थ अपनी पूरी गति से घूमने लगेगी तो ये पानी पीछे चला जाएगा, हर चीज और हर किसी से 2 बार टकराएगा। इस तरह के तूफान में आप शायद सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल के पास ही सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हवा सबसे हल्की होगी। अब आपको ये सुनकर राहत मिली होगी कि इस सब के बाद अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड पर लौट आई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस तक आने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्डिंग, फार्मलैंड और सभी टेक्नोलॉजी दफन हो चुकी होगी। अर्थ पर सब नहीं पर अरबों लोग तेज हवा की ताकत से ही मर जाएंगे। अगर आप इस सर्वनाशी स्थिति से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अंडरग्राउंड बनकर बनाना शुरू कर दें। खुशकिस्मती से ये उम्मीद है कि अगले कुछ अरब सालों तक अर्थ नहीं रुकेगी।